अम्मी को ऐसा नहीं लगता बट मैं बड़ी ओबीडियंट डॉटर हूँ अम्मी की पता नहीं क्यों ही लगता अम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं सारे घर के काम थोड़ी देर के करने पड़ते हैं <laughs> इस पर चमके साए तले हम हे गाइज अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ राबिया मुकनी यू वॉचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन और आज मेरे साथ गपशप में कौन है मेरी मेहमान मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं इंट्रोडक्शन कैसे कराऊँ क्योंकि अगर मैं बोलना शुरूगी तो शायद टाइम खत्म हो जाए मैं बोलती रहूँगी बोलती रहूँगी और आप लोग सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे उन सबके फैंस सिर्फ इतनी हिंट दूंगी कि प्रेशर बहुत था आप लोगों की तरफ से उन उनपे भी और मुझ पर भी कि उनको ढूंढ के लाएँ पकड़ के लाएँ आई रियली एडमायर हर आई रियली लाइक हर बिकॉज नॉट ओनली शी इज़ अ ग्रेट एंड वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस मुझे उनका एटीट्यूड एक्सट्रीमली हम्बल और मॉडस्ट लगता है मैंने जितनी बार उनसे बात की है जितनी बार मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं एंड आई लाइक हर ट्रेडिशनल माइंड सैट सो मैं उनसे बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ बचपन में बड़ी टॉम बॉय थी है ना काफ़ी देर लगा रही ना मैं बताने में कौन है बट चलें इतना इंतज़ार मैंने किया आप भी थोड़ा सा कर लें पतंगे भी उड़ाती थी और पेंटिंग का भी शौक़ है जो बात मुझे उनकी सबसे खूबसूरत लगी वो ये कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एंड हमारी दुआ है कि ये बहुत जल्दी हमें होता हुआ नजर आए मेरे साथ आज है यमुना जैती

कैसा फील होता है टू बी बीम जैदी टू बी लव्ड सो मच आई कीप वंडरिंग यू नो हाउ हाउ डू यू फील कैसा लगता है uh, बहुत, किया है कभी ये नहीं रब बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग एक मैं एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रही थी उसमें पूछा गया आधे लोगों से कि वो क्या बनना चाहेंगे या क्या करना yeah. चाहेंगे या क्या चाहिए उनको hmm. तो उन्होंने कहा कि हम रिच होना चाहेंगे हम अमीर बनना चाहेंगे hmm. और फिर 50% परसेंट लोगों ने ये जवाब दिया 50% परसेंट लोगों ने कहा कि हम फेमस होना चाहेंगे ओके okay. तो ऑनेस्टली uh, स्पीकिंग जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे जहन में ना तो पैसे थे और hmm. ना ही शोहरत थी ना फेम ना मनी बट मैं कहती हूँ कि फिर वो अल्लाह ताला की जात है yeah. जिसको सिर्फ नीयतों का हाल पता होता है hmm. तो मैं बहुत मैं एवरी एवरी यू नो आफ्टर टू मिनट्स मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ चलते फिरते उठते बैठते काम करते तो आ, और आ, ये तो हमारे तमाम देखने वाले जो मेरे सब फॉलोवर्स हैं या फैंस हैं या वो तमाम लोग जो ड्रामा देखते हैं पसंद करते हैं वो तो किरदारों से मोहब्बत करते हैं हमसे भी मोहब्बत हो जाती है उस चक्कर में तो उसका तो बहुत शुक्रिया yeah. तो मैं अभी तक एक बहुत ही नॉर्मल सी इंसान yeah. हूँ जो कि इधर उधर चलती फिरती अपनी yeah. लाइफ में काम करती हूँ बिकॉज आई बिलीव कि बस ऐसे ही होता है ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं हाँ तो लेकिन इधर ड्रामा आता है आपका इधर सीन आया उधर आपके फ़ैन पेजिस ने yeah. रिकॉर्डिंग्स की ये किया वो किया इतने कॉमेंट्स माशा वो फीलिंग क्या होती है अब अब वो फीलिंग मतलब पहली बार जब हुआ तब एक्साइटेड एक्साइटमेंट कैसी थी यकीन नहीं आ रहा था अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है सो यू जस्ट थैंकफुल एंड ग्रेटफुल या हाउ हाउ डज़ इट फील मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे फैंस फॉलोवर्स मेरे प्यार करने वाले जो है ना ये बड़े करीब हैं मुझसे yeah. जब मैं कभी वैसे बंदा कभी कभार उदास भी होता है तो yeah. मैं देखती हूँ इतने खूबसूरत वो म्यूज़िक के ऊपर वीडियोस बनाए होते हैं पिक्चर्स लगाई होती हैं है। मैं कहती हूँ कि यार ये मैं तो मैं तो शुक्रिया ही कहती हूँ उन लोगों को मैं और क्या कहूँ बट ये कि अब आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा ये नॉर्मली हो गया है आई थिंक रबे बड़ा अचीव करने में टाइम लगा इट्स बीन एट ईयर्स तब इतना सोशल मीडिया नहीं होता था तब हमारी सिर्फ मेहनत होती थी तो mm. so, होता है ना कि एक ख़ास पौधे को आप पानी डालते रहें तो yeah. वो फिर छाव भी देता है फ्रूट भी देता है तो आई थिंक इट्स लाइक दैट सही बात है आई लव द कलर बड़ा क्यूट कर रहा है आपके ऊपर थैंक यू सो मच येलो मुझे एक तो पसंद भी है और मुझे मुझे हो रहा था सब मुझे कह रहे थे तुम तो इंटरव्यू में साड़ी क्यों पहन के जा रही हो बट आई रियली वेड कि मैं साड़ी पहनूँ आपके इंटरव्यू में क्योंकि आपसे ऑलमोस्ट एक साल हो गया हम लोग लाइन अप करने की yeah. कोशिश कर रहे हैं बट किसी ना किसी वजह से नहीं हो पाता तो आई रियली वॉन्टेड नो नो आई एम सो ऑनर्ड आपने इतना इतनी अच्छा वो सोचा अच्छा मुझे यमुना बताएं अगर आप मुड़की देखें और अपनी बीस साल की जब होती थी आप ट्वेंटी ईयर ओल्ड यमुना को क्या एडवाइस करेंगी एडवाइस hmm, क्या करूँगी hmm. ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने <laughs> और बड़ा टेक्निकल भी है क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और आई थिंक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत गलतियाँ की उनसे सीखाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिसप्लिन थी

डीट्रैक हाँ, हो, हो भी सकते हैं हाँ, तो uh, और आई थिंक ये चीज़ ओवर द टाइम ही आती है ना जो इक, अब अब इस इक, इस वक्त बैठ के जो कॉन्फिडेंस और जो ठहराव है और जो सोच है शायद आई थिंक हर कोई अपनी लाइफ जो है वो कुछ अल्लाह ताला ने डिजाइन की होती है खुद आप कुछ डिसीजंस लेते हैं तो वो हर किसी के हिसाब से सही होती है अगर कोई बंदा डी ट्रैक भी हो जाए उसमें भी कोई या। मसले बुराई या बुराई की बात नहीं होती है आप हमेशा सीखते हैं और सीखते हैं पूरी जिंदगी सीखते जाते हैं मुझे ये बताएं अम्मी साथ हैं आजकल अम्मी साथ हैं <laughs> अम्मी साथ हैं <laughs> तो मैंने इतने इंटरव्यूज में सुना आपने बोला कि योर मदर इज योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो और कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है किन बातों पर लड़ाई होती है मैं यही सोच रही थी मैं इमेजिन करी थी किस किस तरह होता होगा क्या होता है और कौन जीतता है किस तरह क्लियर सवाल कहाँ से आया मुझे मुझे बहुत क्यूरा पॉजिटिव थी बिकॉज क्लियरली आई कैन टेल के अम्मी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में लाइक हाँ मेरे ख्याल से सबकी होती है सबकी होती है से बड़ी दोस्ती है बहुत दोस्ती hmm. है और मुझे बड़ी मज़े की रिलेशनशिप <laughs> का आइडिया फील हो रहा था तो तो मुझे उसमें बिकॉज यू सेट हर जगह इसीलिए लड़ाइयाँ भी बड़ी होती हैं तो मैं ये लड़ाई आर्ग्यूमेंट या नोक कह लें छोटी लड़ाई ज़्यादा थोड़ा बड़ा बर्ड है बट वो इसलिए होता है क्योंकि अम्मी अम्मी को ऐसा नहीं लगता बट मैं बड़ी ओबीडियट डॉटर हूँ अम्मी की अम्मी को नहीं लगता <laughs> पता नहीं क्यों नहीं लगता अम्मी को मैं बड़ी ओबीडियंट सी बच्ची hmm. हूँ अम्मी की और मैं कहती हूँ अम्मी को किसी बात पे नाराज ना करूँ या मना ना करूँ लेकिन कभी कभी मैं चाहती हूँ अम्मी जो है वो मेरे हिसाब से कोई चीज़ कर लें जब वो नहीं करती ना तो मैं किसी आप समझती नहीं है आपको ख्याल ही नहीं है किसी के दिल की फीलिंग्स का कोई पता ही नहीं है <laughs> इतने इतने ड्रामेटिक डायलॉग्स बोलती हैं हाँ मैं कहती हूँ अम्मी आप कभी दव, तो खैर वो होता है हालांकि माँ से बेहतर आपको कोई नहीं जानता बट ये कि वो कभी कभी अपनी चीज़ बनवाने के लिए हाँ। आ, 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 अम्मी अपने मूड में कुछ कहने मैं कहती हूँ अम्मी आप दूसरे की भी बंद फीलिंग का ख्याल रखते हैं हाँ। तो यार छोटा तो मोटा थोड़ा नाराज़ मो... हो जाए तो अम्मी को कैसे मनाती हैं अगर अम्मी थोड़ी अम्मी बेचारी अगर आप नाराज हो जाए तो फिर अम्मी क्या करती हैं अगर मैं नाराज़ हो क्योंकि होता यही है ना बच्चे मैं जाते जाते हूं से के म, फिर ईगो भी आ जाती होगी ना मैं खुद कैसे जाऊँ मैं तो नाराज हूँ अब रबो का ही सीन है हाँ अम्मी के साथ बिल्कुल ईगो का सीन है बचपन वगैरह में कभी होता था तो अम्मी आके मनाती थी खाना खिलाती थी अपने हाथ से अभी भी अम्मी के हाथ से कभी कभी मैं ख्वाहिश करती हूँ कि हाँ, खाना खाऊँ हाँ। तो लेकिन ये कि अब ईगो तो नहीं होता पेरेंट्स के साथ होना चाहिए भी नहीं है <laughs> नहीं नहीं सही बात है बिल्कुल तो होना चाहिए अच्छा ये भी मैंने बड़ा सुना है कि आपका अल्लाह से बड़ा डीप कनेक्शन है आपने कहा क्या कनेक्शन है कैसे है हाउ डू यू डिफ़ाइन योर कनेक्शन विद अल्लाह राबा मैं पहले इंटरव्यूज़ में बहुत कहती थी और मैं अब भी कहती हूँ मैं सोचती थी कि मैं पहले मैं कैसे कह देती हूँ ये तो मेरा अपना रिश्ता है ना अल्लाह के साथ अब मुझे इसका वो नहीं पता क्या उसे कहते हैं सॉरी कट इसीलिए मुझे बड़ा लाइक like, जब आप बात कर रही थी बट आई कुड फील द डेप्थ ऑफ और द इंटेंसिटी के आपने जो जुमला बोला है वो आपके लिए कितना मायने रखता है हुँ, हुँ। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मे बी कुछ व्यूअर्स उससे कुछ गाइडेंस ले लें कुछ उनको जो लोग इससे नहीं हाउाइन पहले मैं बड़ा इजिली कहती थी और पहले मैं कहती थी कि मेरा अल्लाह तला के साथ बड़ा कनेक्शन है और अभी भी है बहुत ज़्यादा गहरा है लेकिन अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करती इसलिए मैंने काफ़ी मैंने शायरी पोइट्री भी जो मैं करती हूँ वो मेरी ज़्यादातर इश्के मजाजी के बजाय इश्क हक़ीक़ी पे होती है ओके। तो आ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ पता नहीं मुझे लगता है कि बंदे में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती वो अल्लाह ताला ही अपने आप के साथ जोड़ के रखता है इंसान को हम तो हम तो वैसे ही हैं मैं वैसी हूँ जैसे और बहुत सारे लोग हैं लेकिन ये होता है कि कोई चीज़ आप दिल से रो के अल्लाह ताला के सामने कोई बात कहें और फिर वो सुन ली जाए फौरन तो फिर तो अपना आप इतना कम लगता है मैं कहती हूँ कि फिर तो लगता है कि यू you नो know, आप तो कुछ कर ही आपकी तरफ से तो कोई एफर्ट है ही नहीं वो तो सिर्फ अल्लाह है जिसने आपको अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है हम तो मैं तो अब पहले मैं बड़ा कहती थी मेरा मेरा बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है अल्लाह के साथ में मैं कहती हूँ मेरा क्या है अल्लाह ने मुझे ने अपने साथ लगा के रखा हुआ है और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हमेशा अपने अपना अपना रहम रखे मुझ पर यह दुआ भी मेरी हमेशा हर दो मिनट के बाद मैं कहती हूँ अल्लाह में रहम रखे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी मेरे साथ तो ये होता है जुम ऊपर नीचे चलता है फेथ आपके साथ होता है या कॉन्सटेंट रहता है यू you नो know, वो हम इंसान हैं सारे तो हुँ, वो होता है चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही तो अल्लाह ताला बड़े अच्छे लगने लगते हैं <laughs> नहीं तो थोड़ा सा नीचे जाते हैं लाइक like, आपको तो मैं पसंद ही नहीं इसीलिए हाँ। आपने दो मुश्किलें डाली तीन मुश्किलें या आपके साथ होता है या आप आपका मुझे एक साल पहले का इंटरव्यू देखा अभी कुछ महीने पहले का भी इंटरव्यू देखा यू सीम सो कंटेंट माशाल्लाह माशाल्लाह से राज क्या है वो यही मैं जान दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं मैं समझना चाहती हूँ और लोगों को भी लोगों को भी शायद उससे कुछ आ, मिले मुझे मुझे मैं चाहती हूं। आ, ये जो वो है ना फराज़ से कहते हैं आप अप एंड डाउन आपका ग्राफ जाता है वो हर किसी की लाइफ में होता है और ये जो दुनिया है ये तो वैसे ही इतनी अल्लाह ताला ने टेम्प्रेरी रखी हुई है ना तो आ, ये तो अल्लाह ने यहाँ पे तो कंप्लीट किसी को कुछ देना ही नहीं है तो अगर हम ये सोच लें कि जितना हमें मिला हुआ है वो कितना ज़्यादा है हाँ। और फिर ये एक बड़ी तसली बख्श चीज़ मुझे लगती है कि दुनिया तो वैसी थोड़ी सी आर्जी है और यहाँ पे तो कंप्लीट कुछ मिलना नहीं है तो फिर जो मिला हुआ है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है यू नो इफ आई लुक अराउंड देर पीपल जो कि देर स्ट्रगलिंग देर स्ट्रगलिंग देर स्ट्रगलिंग मैंने भी स्ट्रगल की है बट उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ अगर मिल गया तो वो बहुत शुक्र अदा करना चाहिए उसका और दूसरा ये कि बस खुशी रहती हूँ पता ही मैं ज़्यादातर मुझे हो रहा था अम्मी ट्रैवल इतना करती हूँ मैं ड्राइव कर रही थी तो मैं कह रही थी अम्मी कहीं की रोड्स अच्छी हैं कहीं की ट्रैफिक अच्छी है कहीं का घर अच्छा है सही बात तो है तो मैं फिर मैंने कहा अम्मी ये सब चीज़ें जो है ना पूरी कॉम्बिनेशन में ऊपर मिलेंगी अगर अगर उसके लिए हमने कुछ काम किया जो जन्नत हम जिसे कहते हैं तो वह गई थी देखिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कुछ करते नहीं है तो ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि ये टेम्प्रेरी जिंदगी बस गुजार रहे हैं और इसमें जो है ना साथ साथ, साथ मजे की बात चीज़ें, वो चीज़ें हाँ वो कॉम्बिनेशन एक ही जगह मिलेगा so ये कॉम्बिनेशन क्योंकि मेरा होता है, नहीं है हाँ लाहौर वैसे इतना अच्छा लगता है यहाँ की कराची की रोड्स मुझे अच्छी लगती हैं ट्रैफिक अच्छी लगती है कराची की रोड्स आपने रिसेंटली देखी है अरे मैं तो बारिश के बाद नहीं फिर आप ये स्टेटमेंट चेंज कर लेंगे नो 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 आई स्टिल लाइक कराची यहाँ बट ठीक है राबिया ऐसा है कि वो ट्रैफिक बेहतर है लोहर से ये मैंने सुना लाहौर हाँ। में बहुत प्यारी सड़कें हैं लेकिन वहाँ तो लगता है कि पता नहीं कुछ अभी अभी गाड़ी लगी अभी ये हुआ और फिर अमेरिका में वैसे सुकून है तो फिर ये लेकिन पाकिस्तान नहीं है ना वो पाकिस्तान नहीं, नहीं है तो फिर ये सब चीजें तो कौन सा मिलनी नगमा है जिसको जब अदर देंद कौमी तराना जिसको जब सुनती हैं आंख में आंसू आता है कोई है मिली नगमा सारे ऐसे सारे ऐसे सारे ऐसे कौन सा फेवरेट है आपका कोई भी ऐसे नहीं जैसे कि अभी अभी जहन में आ रहा हो बट जो वो है ना एक तो ये कि हाँ, हम एंटरटेन एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने के लिए सिनेमा में हाँ। जाते हैं वहाँ मिली नगमा होता है और मेरे तो आँखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं फिर जो है कि कभी चौदह अगस्त पे या कुछ ऐसे वीडियोस भी कई दफ़ा होती है ना तो मैं वैसी बड़ी इमोशनली hmm. जो है ना मैं बहुत ज़्यादा आई ऑन ट्विटर टू मच और आई डोंट यू नो राइट इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम पे बट वैसे आई एम वेरी इमोशनली अटैच टू पाकिस्तान और मुझे बहुत वो होता है शायद और ये नहीं कि अमेरिका जाने के बाद पाकिस्तान में रहते हुए भी मेरा यही इमोशंस का हालात थे यमुना को हम देंगे कुछ सिचुएशंस ठीक है और आपने मुझे बताना है कि आप इन इन टाइम्स पे क्या कौन सा मिल्ली नगमा आप बताती ठीक है क्रिकेट का मैच चल रहा है पाकिस्तान टीम इज़ प्लेइंग अगेंस्ट सम समी और बहुत जबरदस्त मैच है और अब टेंशन के बाद फाइनली पाकिस्तान जीतने वाला है आप जिस जगह बैठी हुई हैं आपके पीछे सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि यूम ना पाकिस्तान जीत रहा है कौन सा नगमी मिली नगमा गाना चाहिए विच वन विल यू स्टार्ट विद ओके सो आई थिंक आई स्टार्ट विद आई थिंक आई स्टार्ट विद हम जिंदा कौम है हम सब की है पहचान हम सब का पाकिस्तान पाकिस्तान थैंक यू अच्छा अगला फेवरेट बैंड कौन सा है फेवरेट बैंड इंटरनेशनल नहीं मैं ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुनती अच्छा ओके यूट्यूब यू फेमिलियर विद यूटूब यूट्यूब का कॉन्सर्ट है

इस पर चमके हम हम एक है, हम एक हैं हैं या या पूरा थोड़ी गुण बस छोटा छोटा वॉट योर फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग नॉट ए मिली नगमा देसी गाना कोई भी अभी आजकल राजफुत अरे तो खूबसूरत है बट yeah. वो मैं नहीं बोलती आपसे गुड बनाने के लिए हाँ वो बड़ा मुश्किल बहुत है बहुत मुश्किल है <laughs> इसीलिए मैंने आपको बचा लिया हाँ, बहुत मुश्किल है ये तो मतलब... राजी उल्फत हाँ, है जो इट्स सो ब्यूटीफुल वो बहुत खूबसूरत हाँ, है इट्स ब्यूटीफुल और yeah. और इतने अच्छे तरीके से प्लेस किया है उसको हर जगह कि मैं आपको क्या बताऊं सीरियस क्वेश्चंस पे जाएं या लाइट रखें

ये है ये पिक्चर है और मैं एक एक जुमला oh, भी बताती हूँ नो नो आई एम टॉकिंग अबाउट हु ऑफ योर को स्टार्स कुड हैव पोस्टेड दिस पिक्चर ये मैंने उन्हीं के किसी के अकाउंट से उठाई है उनके और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि और उन्होंने कहा इस पिक्चर पर किसी ने उनसे पूछा क्या पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कहा नॉर्मली तो आँखें किताबों की आँखें ढूँढ रहा हूँ कौन कह सकता है आपके को स्टार्स में से ये कौन ज़ाहिर I'm so... यार थोड़ा सा हेल्प करो राबिया <laughs> उनके उन, उनके साथ आपने भी पिछले साल किया है ड्रामा इमरान अशरफ यस ओके बस गेस ही किया है क्योंकि इस तरह की गहरी बातें इमरान ही कर सकता है ओके okay. Hmm. अच्छा गहरी बातों मैं आपको बताऊं लेकिन ये hmm. जो लोकेशन है ना यहाँ पे मैंने साथ कुरैशी के साथ ड्रामा किया था ओके सो आई पिक्चर okay. कि आप कितने अच्छे अपने को या गेस कर सकती है उनसे कुछ आ जाए तो वो हमें आप सुना दीजिएगा okay, 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 okay. तो इमरान के अब ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते रहते हैं पे। अरे हाँ आधी बातें तो ऊपर सर से गुजरती हैं आधी समझ आती हैं लेकिन ये कि इमरान अपना काम बहुत शौक से करता है और हमेशा जो है ना वो पूछता है इतना अच्छा शॉट देने के बाद पूछता सही हो गया सही हो गया oh. तो यार तुम ये क्या ड्रामा क्यों कर रहे हो ऑफ uh स्क्रीन -huh. भी ड्रामा ऑन स्क्रीन भी ड्रामा आप कह देती हैं आई मीन हाँ आई मीन इमरान बहुत uh, वो है फ्रेंडली yeah. है और बातें uh -huh. करते हैं इंटरेक्ट uh -huh. करते हैं yeah. खामोश ना खुद बैठते हैं वो बैठने भी नहीं देते ओके okay. ओके uh -huh. okay. um, ये पिक्चर उन्होंने पोस्ट की है uh -huh. ये पिक्चर हु कुड इट बी ठीक है एंड देन आई विल आल्सो टेल यू एक और चीज़ उन्होंने किसी पे लगाई ये ये पिक्चर है <laughs> okay. ठीक है और उसके बाद उन्होंने लिखा वाई एम आई सो ऑरेंज किसी एक अपनी पोस्ट पे लिखा वाई एम आई सो ऑरेंज Who could Ahmed? Yes, hmm. <laughs> that was good. <laughs> Even <laughs> I'm not following him, but मैंने उसकी पिक्चर कहीं देखी, <laughs> देखी थी। देखी थी। हाँ, ये Why am I so orange? ऐसी बातें करते रहते हैं वो छोटे-छोटे जुमले बोलते Aimet रहते हैं। अच्छा Ahmed का तो बिल्कुल मुझे कुछ नहीं मुझे like he's a very good human being. लेकिन he hardly टॉक्स uh, सेट uh, पे काम के दरमियान बिल्कुल नो 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 इट्स वेरी सीरियस या इट्स नॉट अबाउट सीरियस बट ये कि बस सादा अच्छा बात नहीं कर, करता है तो दोस्ती और, नहीं है आपकी उनसे इतनी मेरी बहुत अच्छी कह सलाम दुआ और oh. वो है बट ये कि ऐसे दोस्ती वोस्ती टाइप नहीं है अहमद हाँ. तो सीरियस बस काम से काम <laughs> अपने कोने में बैठ के कहीं सेब खा रहा है कहीं अहमद <laughs> अली अकबर सेब खा रही हूँ

जो मेरे लिए सजा मेरे लिए ही सजा करे मुझसे ही बातें किया करे बहुत लंबी सी है बट हु यू थिंक कुड हैव पोस्टेड बहाज यस दैट वाज क्विक जिंदगी में बताया तो मैंने कहा यार ये क्या सीधे शुरू में तो मैं समझी नहीं थी वो लोकेशन साथ के साथ मैंने काम किया था बट बहाज का मैंने इसलिए इतना ज़्यादा जल्दी से गैस कर लिया uh, कि बहाज के साथ मैंने बहुत uh, मेरा कम काम uh, मैंने साथ में हम लोग के साथ में कम काम था बट मैं बहुत कम्फर्टेबल थी बहाज इज अ वेरी नाइस गाय और वो कहता था कि मैं यमुना अपनी तीन साल की बेटी को फैज अहमद फैज की गजलें नज़में सुनाता हूँ घर जा पढ़ता हूँ मैं खामोश और इस तरह का सेट पे रहता था yeah. मैं कहती थी, थी क्या आपको प्रॉब्लम तो नहीं है कोई मसला तो नहीं है <laughs> क्योंकि मैं कहती थी, थी कि ना इजी रहे इंसान hmm. का तो वो फिर वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी hmm. है hmm. तो yeah. इस पे मैंने कहा yeah. यार ये नज़म yeah. है तो ये वहाज का ही सीन होगा यस yes, यस yes. और एक और हैं जिन्होंने कहा है ये आपके को स्टार्स हैं उनको मैंने मैसेज किया था कि इफ़ यू कुड प्लीज़

तो उस पे बात है मुझे बहुत से अच्छी वाली दोस्ती है दोस्तिय। दोस्तिय बात करें। तो इसलिए उन्होंने ये भेजा और उससे आपने गेस्ट कर लिया कि जाहिर हाँ, नहीं बोला होगा ना कमाए नहीं आ रही अभी मुश्किल <laughs> तो नहीं आई थिंक फन है मुश्किल नहीं है मुश्किल चीज नहीं करनी फन करना है अब जैसे मुझे इसमें बड़ा मजा आ रहा है मुझे अच्छा जी अब अगले साहब जो है ना या मैंने कोशिश वैसे सबसे की थी लेकिन बस सब बिजी भी होते हैं ये आपके जो कोस्ट आने हैं उन्होंने अपनी एक प्रोफाइल अपने प्रोफाइल पिक्चर पर लिखा इन रास्तों पे आने वाले सब करते हैं क्यों किनारा इन आहटों में बसने वालों से कोई पूछे कौन है हमारा दुखी रू है? है? <laughs> <आगा। laughs> कौन है दोबारा से बोलिए आप शेर बार बार बुलवाते हैं इन रास्तों पर अब मैं कोशिश करी मैं अच्छे तरीके से बोलूँ आप, आपके सामने बैठी हूँ इन रास्तों पर आने वाले सब करते हैं क्यों किनारा इन आहटों में ब, में बसने वालों से कोई पूछे कौन हमारा पूछे कौन हमारा Who could have said something like this? अपने एक प्रोफाइल पर नीचे और अच्छा एक और पिक्चर की उन्होंने नीचे लिखा है अपनी पिक्चर ओनली फ्रॉम द हार्ट यू कैन टच द स्काई

एक और आपके कोस्ट आ रहे हैं उन्होंने नीचे कमेंट किया अ रियल मैन इज वन हु कैन स्टैंड हिज ओन आर्मपिट स्मेल यू द मैन कौन हो सकता है थिंक <laughs> <laughs> <Think, laughs> आपने जिन लोगों के साथ काम किया उमेश आना यस यस किसमें इतना टैलेंट इतना खूबसूरत गॉड उमेश वो तो भाई कोई भी बात मुस्कुराते मुस्कुराते कुछ भी कह देते हैं मैं मैं चेक और खैर वो उनकी ना बिलाल से दोस्ती भी है तो yeah. uh, so ये मैं कोई कोई और हीरो लड़का, I mean, तो नहीं लिखेगा ये मेरे yeah. से बहुत दोस्ती है बिलाल yeah. yeah. की तो ओके ओके ठीक है अब एक रैपिड फायर करते हैं hmm. जल्दी जल्दी मैं आपसे आप, आप इनके पास okay. जल्दी जल्दी मेरे सवाल okay. के जवाब दीजिए। जाइए जब काम नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती हैं सिंगिंग एक्सरसाइज कुकिंग क्या चीजिंग एंड लाइक एंड यमुना की इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड कौन है या कोई नहीं है यार बेस्ट फ्रेंड ऐसी में नहीं मेजर तो कोई नहीं विच ऑन स्क्रीन कैरेक्टर दैट प्लेड यू रिलेट टू द मोस्ट रिलेट कोई भी नहीं कोई भी नहीं ओके यमुना क्रेव ब्रेकफस्ट हलवा पूरी बट इज ऑन अ डाइट वॉट विलवाइ yeah. <laughs> <laughs> <भार> <laughs> तो, घर वाले बहुत मजाक बनाते हैं कल से कल से कल से hmm. you know, बट ये जब कुछ कैरेक्टर काम होता है hmm. तब सीरियस होती hmm. हूँ बट ये वैसे आए फूड ओके कौन से पाकिस्तानी सिंगर को आप सबसे ज्यादा हम कर रही होती हैं गुनगुना रही होती हैं अपने आप में आतिफ असलम आसिम अजहर मोमिना या कोई और आई थिंक आतिफिन आसम ओके okay. hmm. आतिफ का फेवरेट सॉन्ग क्या है गाने को नहीं बोलूँगी hmm. okay. आतिफ का फेवरेट दिल दिया गल्ला ओके अगर वहाज और बिलाल अब्बास दोनों आपको हैप्पी बर्थडे गा के सुनाए तो दोनों में से कौन बेहतर गाएगा आई थिंक दोनों ही नहीं सही से गाएंगे <laughs> बहुत बुरा गाएंगे दोनों <laughs> कौन गाएगा अच्छा फिर uh, जाहिद okay. अफान ओके या एंड अहमद आई थिंक अहमद को भी गाते हुए नहीं सुना so तीनों में से कौन बेस्ट होगा अहमद अफान और जाहिद में से अरे यार ये क्या बात है? तीनों अच्छा अच्छा गाते हैं तीनों अच्छा हाँ। अच्छा गाते हैं चलिए वी लेट चले विले um, अगर वह आज ब्रेकफास्ट कुक कर रहे कास्ट के लिए पूरे ड्रामे की तो वो क्या करेंगे चाय पराठा फ्राई अंडा न्यूटेला इन टोस्ट या फिर कुछ और आई थिंक न्यूटेला इन टोस्ट पूछिएगा आसान अच्छा क्या स्टोरी बता दें फिर इसके पीछे नहीं नहीं मैं मैंने कहा पूछिएगा कि वो क्या अच्छा, क्या एंड वन ऑफ द अबव आपको इनमें से कौन सा आप खाना पसंद करेंगी अंडा, अंडा ओके एक गाना जो आपकी रिलेशनशिप को आपके फैंस के साथ बेस्ट डिस्क्राइब करता है पापा कहते हैं एवरी थिंग आई डू आई डू इट फॉर यू पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया और यू कैन गिव एन अदर सॉन्ग पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया ओके आई थिंक आगे सीरियस क्वेश्चन आ गए ओके सो विच कॉजर इज लाइक रियली क्लोज टू योर हार्ट मैं लड़कियों के लिए गर्ल्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ वैसे तो ये ऑन रिकॉर्ड है बट ये कि आप देख लीजिएगा okay. यूज़ करने के लिए कि मुझे ना मुझे हमेशा से वो जो प्रोस्टिट्यूशन का काम है ना वो मुझे बड़ा हॉन्ट करता है ओके okay. ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि और वो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो बहुत पहले से चलता आ रहा है तो उसके लिए कुछ होना चाहिए उसके लिए आई मीन ये एक औरत जात के लिए जो है ना मुझे लगता है कि ये इसके लिए कुछ कुछ काम कुछ चीज़ होनी चाहिए ये मुझे बड़ा हॉन्ट करती है एवरी टाइम आई लुक एट यू नो आई आई विजिट सम प्लेस लाइक दैट नॉट लाइक इन लाहौर वी हैवर्स डेन सो उनकी नीचे गैलरी है जिसमें वो उस ओनर की ने अपने हाथ से बहुत सी पेंटिंग्स yeah. की हुई हैं तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ हो नो हिस्ट्री you know, से एक चीज़ चलती आ रही है बट यू नो समाइम्स बड़ा एक ये तो नेटवर्क है पूरी दुनिया में सही बात है सो डिफिकल्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग मूवमेंट ट्रैफिकिंग एंड ऑल दैट लेकिन आई एम आई एम रियली हैप्पी टू हियर के यू थिंकिंग अबाउट समथिंग या ये रहा दिल या प्यार के सदके दोनों आई थिंक आई थिंक प्यार के सदके ओ रियली बिकॉज लास्ट में आप लास्ट इंटरव्यू में आपने ये रहा दिल बोला हुआ था hmm. किसी जगह। तो आई थिंक आप प्यार they, के सद Both maan. are इक्वली गुड बट सो ये रहा दिल अभी भी मुझे लगता है कि इट्स स्टिल देयर जिंदा है प्यार के सदक़े से वैसे ही मुझे बहुत ओवरऑल बहुत बहुत ही प्यार और yeah. बहुत recognition और बहुत उसमें मार्जिन भी ज़्यादा था परफॉर्मेंस hmm. का हर हिसाब से okay. तो अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज और प्यार के हिसाब से देखूं मुझे तो मुझे मुझे इतना प्यार प्यार मिला, recognition मिली तो I would definitely, um, select प्यार के के प्यार. तो मुझे एक बात मैंने मैंने और मुझे इसके लिए बड़ी भी शायद मिल जाए कि स आपके सारे ड्रामे नहीं देखे हुए मैंने भी कुछ अर्से पहले हुँ. ये किया लेकिन मैंने आपके बहुत से ड्रामे देखे हुए करती थी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करती थी लेकिन पिछले एक डेढ़ साल से हम ये कह सकते हैं कि यमना जो भी प्रोजेक्ट पिक कर रही हैं mm -hmm. उसके पीछे कुछ लाइक like, कुछ थॉट है लाइक इट्स इट्स अ गर्ल जो स्टैंड अप करिए कुछ ना कुछ वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है इवन मैनी जब का जो आपका था mm -hmm. फिरोज़ के साथ इवन दैट वो जो उसमें कैरेक्टर था वो बड़ा सिंपल mm -hmm. सी स्टोरी है बड़ा सिंपल mm -hmm. सा कैरेक्टर है उसमें लेकिन वो लड़की बड़ी स्ट्रांग थी और वो एंड तक जाके लड़ती है कि उसके हस्बैंड को इंसाफ मिले yes. और फिर करती है राइट right? सो yeah, yeah. so, ये ये हो गया या ये यमुना की आपके दिमाग में कुछ चल रहा था जो आपने ये चेंज किया अपनी चॉइस अपनी सिलेक्शन में अच्छा क्या होता है राबिया जब आप काम शुरू करते हैं ना तो आपको एक मिक्स मिक्स चार्ट जैसे होती है ना उस तरह का आपको चीजें मिलती हैं और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चीज़ ज्यादा पसंद आ रही है या चूज करें तो जिस तरह के कैरेक्टर्स आप फिर थोड़ा बहुत जिन कैरेक्टर्स को आप प्रायोरिटी देते हो तो फिर मार्केट को भी पता चलता है कि आपने क्या करना है okay. या आपका गोल क्या है प्लस आप शुरू में मुख्तलिफ लोगों के साथ काम करते हैं कुछ डायरेक्टर्स आपकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं लकीली मैंने अपने करियर के शुरू में फ़ारूक रिंद और काशिफ नसार दोनों के साथ काम किया okay. और वो दोनों मुझे ऐसा लगता है कि माशाला वो दोनों ही मुझे क्या लगता है हैं ही सबसे काबिल डरेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के और उन लोगों ने फिर उन लोगों ने मेरा ना कैलेबर देख लिया कि मेरा कितनी मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं एज एन एक्टर और फिर उसके हिसाब से उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट्स दिए काशु भाई के साथ मैंने ज़्यादातर कॉज बेस्ड काम किया uh, जो इसमें पहले एक uh, एक पिंजरा ड्रामा था इट वॉज ऑन ए प्लस एंड देन आई डिड डिड सिला देन वी डि कार उम्मीद तो नहीं mm. तो uh, ये जो मेरे कॉस्ट uh, बेज होते ये मैं वैसे ही uh, राबिया मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक्टिंग का ना एक तरह से कह लें कि सदका निकल जाता है ना mm. उसमें आप देखिए इनकार में आई हार्डली हैड मेकअप ऑन बल्कि मेकअप क्या मेरे पे लोगों ने कुछ मैंने रिव्यूज़ देखे उसमें उन्होंने लिखा है कि यमुना ने जो है वो मेकअप नहीं किया हुआ हॉस्पिटल के सीन्स में वो मेकअप किया हुआ था वो पूरी डार्क बेस लगी हुई थी कि अगर आपका इतना ब्लड लॉस होता है तो आपका क्या चेहरे की हालत होगी तो उसमें यू you नो know, आपने आपको स्क्रीन पे ऐसा देखना yeah, मैं तो, तो अगर कोई वैसे घर में कोई थोड़ा बहुत आ जाता hmm. तो मतलब थोड़ा बहुत अपने आप का बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉज बेस्ड सीरियल्स जो मैं करती हूँ ड्रामा सीरियल्स उसमें भी एक्टिंग का सदका निकल जाता है इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी लुक्स पे या मुझे उस पर नहीं कि मुझे पॉपुलैरिटी कितनी मिलेगी उस पर मैं नहीं देखती बट वो अल्लाह का शुक्र है कि वो उसका रिजल्ट अच्छा निकलाता है या उसकी जो व्यूअरशिप uh, है वो एक अच्छा है एज अ प्रोडक्ट ऐसा, ऐसा mm -hmm. होता है कि जो मैं आगे कभी जिंदगी में जा कर देखूँ तो मुझे mm -hmm. थोड़ा मुझे फख्र oh. हो यानी कि मुझे वो ना शर्म ना आए किसी चीज़ uh, पे कि यार ये क्या काम किया ओके बट टेल मी आपकी फेवरेट तीन या चार कैरेक्टर्स कौन से हैं जितने आपने अब तक किए आई आस्क यू टू चूज सो आई एंड आई विल चूज महजबीन जुगनू में जुगनू आपके साथ आपका सिराज साहब के साथ नहीं नहीं मेरा फारूक रिन के साथ फारूक रिन साहब और मेरे यार के यार के साथ के भी ये मार्च भी हाँ यस यस या and I then I will definitely choose हाजरा uh, from इनकार ओके या so जुगनू मार्च भी हाजरा या ओके so I I loved इनकार I loved it and I remember जो शुरू में आप पोइट्री पढ़ती हैं मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी वो एंड आई वाज सो हैप्पी कि उसकी स्टोरी लाइन बड़ी खूबसूरत दिखाई कि वो फाइट करती है सो अच्छा so, अच्छे सवाल आ रहे हैं ओके okay, yeah. yeah. मैं भूल ना जाऊँ मुझे ये डर yeah, है क्योंकि ये मैंने लिखे हुए नहीं है सो yeah. so, um, इन तीनों कैरेक्टर्स को डिवेलप uh, yeah. करने में आपने क्या सोचा किस तरीके से आपने सोचा कि इनका मैनरिज्म ये होना चाहिए yeah. हाजरा ऐसे बात बिकॉज एक्चुअली कनेक्टेड ये सवाल मैंने आपके जितने कैरेक्टर्स देखे ना ईच कैरेक्टर हैज़ अ स्पेसिफिक मैनरिज्म चाहे वो मुश्क या क्या नाम नो नो नहीं नहीं मुझे आपके में मेरी ये रहा, रहा दिल ये रहा दिल था mm. ना mm. ये रहा दिल हो या राजफित तो ये, ये रहा दिल नहीं 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 ये रहा दिल क्या करे दिल क्या करे यस दिल क्या करे चाहे वो दिल क्या करे कि सिंपल लड़की हो या या राज राफत की मुश्क हो ईच हैज अ वेरी लाइक पर्सनालिटी है You know, वो ऐसी नहीं है कि सिंपल सी लड़की है कोई ऐसे कर लो बहुत से ड्रामो में होता है हीरोइन होती है ऐसी इसलिए मैं इस आपसे कि तीन कौन से और इनको किस तरीके से आपने ओके okay. किया और चैलेंज क्या था इन तीनों में जो है नागनू से तो जुगनू मेरा मेरे ख्याल से दूसरा साल था जो मैं काम कर रही थी तीसरा साल था तो जुगनु में मुझे उन लोगों ने रेफरेंस के तौर पे शेजोरी एक PTV का दिखाया था okay. कि युमना ये हम इससे थोड़ी सी हमारी है। ने दिखाया था। हाँ जो मोमना मोमिना तुरी महेश ये लोगों ने मुझे उसमें दिखाया था उन्होंने कहा था कि आप ये थोड़ी सी हमारी कंटेंट के लोगों ने की जी ये रेफरेंस होगा अच्छा उसमें तो मुझे था कि यार आई अचीव समथिंग तो वो मैंने बकायदा वो टोन पिक की थी okay. आ, जो उनकी थी और सारा कुछ और फिर ख़ुद फिलबदी भी कुछ आप yeah. स्पॉन्टेनियस कुछ करते हो अच्छा mm. उसमें मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती थी कैरेक्टर्स बनाते हुए लेकिन फिर ये जो हाजरा का कैरेक्टर था इनकार में इसके लिए तो स्पेशली मुझे काशिप भाई ने कहा था कि पुत्र मुझे इसमें एक्टिंग नहीं चाहिए ओके okay. इसमें मुझे पैरेलल सिनेमा में जैसा काम होता है ऐसे जैसे तुम आपस में मेरे से बैठ के बात कर रही हो सुन रही हो कोई रिएक्शन ऊंचा नीचा कुछ नहीं तो उसके लिए ना मैंने बड़ी मेहनत की थी इवन रसी जाती है सिला में भी सिला के लिए भी मैंने हर कैरेक्टर राबिया Yeah. हर किर, किरदार को बनाने के लिए ना मैं सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले उसका मैनरिज्म डायलॉग hmm. सब चीज़ें बाद में स्क्रिप्ट वगैरह तो डेफिनेटली hmm. हमारे लिए बड़ी सपोर्ट होती है हेल्प yeah. होती yeah. है लेकिन मैं आ, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये जो लड़की है ये अपने पाँच से दस साल की उम्र में उसका क्या घर का माहौल रहा, सिला रहा होगा हाँ yeah. सिला का भी इनकार का भी कि वो किस किस किस्म की वो है तो वो काशी भाई ने मुझे एक कहा था एक मुझे वो छोटी सी टिप दे, दे देता है जो भी डायरेक्टर्स होते हैं कि आपने का मैनरिज्म ऐसा होना पैरल सिनेमा की तरह आप काम करें फिर जो मैंने प्यार के सद के किया था हुँ. ये तो मे महाजबी मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था yeah. क्योंकि एक ये ऐसी लड़की का कैरेक्टर था जो कि टेंथ क्लास में कोई तीन चार दफा फेल हो चुकी है और आई मीन उसके लिए मैंने बड़ा खास अपना एक वर्कआउट रूटीन डाइट डाइटी रखा दैट मैंने हाँ लेकिन मैंने इतना भी लूज नहीं करना था कि वो मेरे चेहरे की फ्रेशनेस चली जाए ठीक hmm, है ना और hmm. मेरी बॉडी so, फिर तो फिर यूनिफॉर्म पहनने के लिए हाँ. मेरी बॉडी श्रिंक uh, uh, होनी चाहिए hmm. थी और चेहरा थोड़ा प्लम्पी होना चाहिए था वो yeah, वो वाली एज दिखाने के लिए ना एग्जैक्टली exactly. yeah. वो क्योंकि दिल क्या करे में, मैं अभी देख रही थी मेहरीन जबारीरियल था, yeah. जबार yeah, yeah. था. Yeah. फिरोज yeah. <laughs> मैं फिरोज के साथ काम रही हूँ तो थोड़ी yeah. शर्म करो यो ना लाइक लाइक वाइज अभी जैसे प्यार के सदके में बिलाल को डायरेक्टर ने कहा था कि वेट थोड़ा सा और मुझे उन्होंने खैर कहा नहीं था बट अकलमंद के लिए इशारे काफी <laughs> <laughs> तो मैंने जो है ना उसके लिए बहुत मेहनत की थी और प्लस जो सकम थे मैंने पहले भी जिक्र yes. किया है बड़ा मुश्किल था वो आए आए इट एग्जैक्टली और ख़ास तौर पर लोगों को हंसाना और आज कल ना वैसे यू नो सोशल मीडिया का ज़माना है लोग एक मिनट नहीं लगाते हम इतनी मेहनत से कोई भी काम करते हैं बात ही होती है बात से बात निकल रही है वैसे मैं एक बात कर रही हूँ कि आजकल क्या होता है कि आ, हम बड़ी मेहनत से जो भी काम करते हैं ना हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं तो खैर यू नो इट्स ओपन फॉर एवरीबडी तनकीद करें लोग लेकिन मुझे ये डर था कि प्यार के सद के भाजबीन इतना एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर था ना तो मैं कहती थी, थी कि यार या तो बच जाएगा या निकल जाएगा निकल जाएगा हाँ। तो बस निकल, निकल है कि हाँ पीपल इट

उन्होंने पकड़ के बिठाया मैंने कहा जब तक नहीं उठोगी हाँ क्या हुआ था हाँ नहीं नहीं उन्होंने कहा कि यमुना देखो कुछ कुछ उसमें देखो तो सही ना कि वो तो अच्छा लगेगा तुम ट्रस्ट करो डायरेक्टर अगर ये कहे ना खास तो भी इतना काबिल डायरेक्टर है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करें तो हम तो खैर उनके तो वर्किंग एक्सपीरियंस बड़े ज्यादा है सब डायरेक्टर्स के तो हम तो फिर किसी खेत की मूली नहीं है क्या कुछ के तो प्रियो ने सुन लिया मुझे होता था कि यार मुझे इतना बुरा भला मुझे इतनी बुरी लगूंगी मैं दो चुटियों में बट ये कि वो बस वो और वो वो मैसी बाल हाँ। और मैं कहती है कि अम्मा मुझे हाँ। क्या कहती है कि वो मेरी शादी नहीं करोगी <laughs>

मेरा ये होता है कि हर चीज़ मुझे बताई जाए उसको मैं अपने हिसाब से परफॉर्म करूंगी okay. बट जो हमारे डायरेक्टर साहब थे फारूक भाई वो तो यू ये भी जवाब ये भी बोलो ये भी हमारे इतने की उन्होंने सीन्स कोई कोई बताइए अम्मा के साथ वो जो वो वो वाला नहीं था कि वो के तो अब्दुल्ला चला जाता है तो वो उसकी टांग बड़ी खींचती है बट ये कि उसमें टोटली फारूक भाई पे हमें ट्रस्ट करना होता था बिलाल को भी वो चीज़ें बताते थे और मुझे भी बताते थे जो आ, वो सलमा हसन थी उनको भी हम सब इम्प्रोवाइज करते थे बट ये बताएँ वो जो पूरा माजबीन का मैनरिज़म था आँखों को ऐसे करना और ऐसे वो करना वो कैसे मतलब वो बैठ के आपने फारूक साहब के साथ डिस्कस किया और बोला कि हम ऐसे ऐसे करेंगे वो किस तरीके से आपने सोचा आपने कैसे सोचा ये पहला सीन जब हुआ तो पहले से दिमाग में था ये या बस वो कैमरे बिकॉज आई हर्ड यू वन प्लेस ऑल्सो कि कभी कभी मैं बस

और uh, स्क्रिप्ट uh, uh, पे मुझे होता था कि यू नो मेरे किड्स तमाम लोग इतने अच्छे थे यू नो जस्ट नेम इट बिलाल सरहा अमेजिंग उमर राणा आई मीन गुले राणा आपा अतीका जी सलमा हसन माय फ्रेंड्स एवरीबॉडी हर कोई इतना टॉप क्लास का एक्टर था तो उनके साथ भी आपको हेल्प मिल जाती है बट ठीक है मेरा तो ये होता है कि बस एट द स्पॉट कैमरा मैं बस शायद इंसानों में ज़्यादा यू you नो know, इतनी नहीं हो पाती सोशलाइज नहीं करती इतना ज़्यादा बट जैसे कैमरे की रेड बत्ती जलती है तो बस नहीं नहीं आ जाती है। हाँ हाँ सो व्हाट इज़ योर मोस्ट सबसे मतलब कोई खूबसूरत कॉमेंट कोई सुना हो या कोई इंसिडेंट हुआ हो फैन का प्यार के सदक़ के बाद जो बस जो आपको याद और आप हमारे साथ शेयर कर सकती कोई फ़नी सीन कोई कोई भी आई प्यार के सदके कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनली देखे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको इंडिया से बांग्लादेश mm -hmm. से हर जगह से आपको जो है ना अप्रिसिएशन yeah. लेटर्स मिलते हैं और मैसेज मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन ये कि प्यार के सदक़े से स्पेशली uh, नहीं वैसे एक फैन का एक बड़ा अजीब सा अजीब तो नहीं मैं कहूँगी बट मैं कहती हूँ लोग इतना करते हैं कि एक फ़ैन जो कि 2017 से फॉलो से कर रहे थे कुछ मैसेजेस हमें नहीं रिसीव हो, हो पाते तो वो और मेरे से रिलेटेड लोगों को मैसेजेस कर रहे थे और उनको एक दिन मुझे मेरे घर पे एक फ़ाइल रिसीव होती है जिसमें okay. एक एक चीज़ का प्रिंट आउट है जिससे अच्छा। उन्हें पता लगता है कि मैं इस एरिया में रहती हूँ तो वो उस एरिया में <laughs> हाँ। दस दिन तक या पता नहीं क्या वो ढूंढते रहे उन्होंने मेरा घर मेरी बिल्डिंग देख ली ओके okay. एंड उन्होंने गार्ड को बाहर पकड़ाया वो फाइल और मैं तो थोड़ा सा पहले डर गई mm. मैं तो मैंने बिकॉज mm. ये बड़ी एक्सेप्शनल बात है कि एक एक चीज़ का प्रिंट आउट कि उनको फलानी जगह से ये मैसेज रिसीव हुआ इतना इतना सब कुछ फिर मैंने कहा यार अल्लाह लोगों के दिलों में इतनी इज्जत और मोहब्बत डालते हैं तो मैं इन तमाम चीजों के यूएस yeah. तो में पहचानते तो मेरा वहाँ पे वहाँ जाके बंदा टी शर्ट ट्राउजर हाँ। होता है अच्छा ग्रोसरीज हाँ। भी वैसी हो रही होती है वहाँ पे मैं जो छोटा होता है घर का मैं वो होती हूँ कहीं किसी को कुछ खाना पहुंचाना है कहीं से कोई बर्तन लेकर आने किसी के घर से तो मैं वो करी होती हूँ क्योंकि वो एक दो तीन महीने का ऐसा टाइम होता है कि वो वैसे ही मैं जाती हूँ अपने घर तो आ, वो ये होता है जब वहाँ बड़े कैजुअली तो फिर वहाँ पे भी जब पहचानते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है

तो और जगहों पे भी देखा जाता है और जैसे हम इंडियन कंटेंट देखते हैं या, या। हम टर्श कंटेंट देखते हैं तो वैसे ही अफगानी लोग भी सब के साथ देखते वाँ। एक वाँ। हैं एक पे टोरटो में मुझे फैमिली मिली और वो पहचान गई और फिर वो यकीन ना करे कि मैं यू ना यूं सोचे मैंने कहा यार जब यकीन करना है तो करो वरना मुझे जाने दो <laughs> तो क्यों क्या कर रहे थे क्या कह रहे थे वो 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 चीखें मार रही थी लड़की वो कह रही थी उनको तो मेरे कहा तुम लोग देखते कैसे हो तो कहा कि हम सब टाइटल्स देखते हैं तो ये बड़ा गुड सीन ओके हमारा एक क्वेश्चन uh, था और ये हुँ. कि आप प्लीज़ अपने इंडियन फैंस के लिए कोई मैसेज दें बहुत मैसेजेस आते हैं हमें इंडिया से आपके लिए बिकॉज मैंने आपको बताया ना हम सिंगापुर में होते थे हुँ. तो वहाँ पे हमारी बहुत बड़ी इंडियन लीडरशिप थी है इन फैक्ट और हुँ. अभी भी बहुत से हुँ. हमारे यू नो हर चैनल पे हमारे बहुत अच्छे खासे इंटरव्यूअर्स हैं माशाल्लाह से सो वी वुड रियली लव इट कि आप अपने इंडियन फैंस को कोई एक मैसेज दें मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होते हैं बॉर्डर पार से और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे ये अच्छा लगता है कि आप लोग बड़े दिल और ख़लूस और खुले दिल से हमारे काम को देख के पसंद करते हैं और फिर आप रीच आउट करते हैं हमें और हमें मैसेजेस देते हैं तो बहुत सारा प्यार तमाम इंडियन फैंस के लिए थैंक यू अच्छा घर में छोटी आपने जैसे ही बोला कि सब मुझे ऐसा छोटा ही ट्रीट करते हैं जब यू एस भी जाती हैं और आई नो कि आप खाना भी बना रही होती हैं रोटी भी बना रही होती हैं खुद से तो कभी कभी होता है मुर्की कहती हैं पता नहीं है मैं यमुना कहती हूँ मुझसे ऐसे काम करा रहे हैं आप लोग नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं कहती अम्मा को नहीं बोलती कौन सा काम सबसे बुरा लगता है घर में करना थोड़ी में, में है। है देर के लिए मुझे... <laughs> <गर> के <काम। laughs> दे करने मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर <laughs> को ख्याल रखना सेट रखना साफ रखना प्लांट्स का और कुकिंग का तो <laughs> मुझे बहुत अच्छा लगता है <laughs>

हैट्स ऑफ टू ऑल ज एक्ट्रेसेस जो के द मैरिड एंड देव किड्स और सब करती हैं काम अपने दोनों लाइफ्स को बैलेंस रखती हैं तो मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और ये कि फिर ख़ास खास डिशेस बना लेती हूँ बना लेती हूँ लो कि और राज उल्फत कैसा लग रहा है खत्म होने वाला है सफ़र ओफ़ मैं बहुत मिस करूंगी <laughs> मैं बहुत मिस करूँगी क्योंकि राजफ्त तो और प्यार के सबके दोनों साथ साथ मैंने रिकॉर्ड करवाए थे okay. और सोचे दोनों में कितना फ़र्क है हाँ किरदार था राजत मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि उसमें कोई कैरेक्टर नहीं था Hmm. वो एक बड़ा सटल ग्रे कैरेक्टर था yeah. जो की बहुत ही पॉजिटिव लड़की भी नहीं है जिसपे बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा जिसने बहुत सारी नाफरमानी की है अपने hmm. पेरेंट्स hmm. की और अब खत्म हो जाएगा राजे उल्फत तो मैं बहुत मिस करूंगी क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच फ्रॉम राज्यूब एंड ऑल दैट और गाना क्यों, भी इस तरह एक्सपेक्ट कर रही थी मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रही थी okay. राबिया इतना तो मेरे है और किसी ड्रामे के ट्रेंडिंग्स में भी चाह रही हैं और यूट्यूब hmm. uh, के व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं hmm. और टीआरपी hmm. भी आ रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए hmm. तो मैं बहुत ज़्यादा आई एम हैप्पी टू हैव ऑल दिस एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मिस राजफ लॉट एंड स्पेशली जिन सब लोगों के साथ मैंने काम किया so yeah. uh, yeah. nice uh, yeah. है वो सो स्पेशल स्पेशली ही नाइस पर्सन कोमल से इतनी दोस्ती हो गई थी वेरी पॉजिटिव गर्ल mm -hmm. बड़ी चिल डाउट लड़की <laughs> है वो अपनी ज़िंदगी में <laughs> और गोहर के साथ ही सोचो वेल मैनड इंसान और पता नहीं क्यों मुझे इतनी हंसी आती थी मैं नवर आई यूज टू डू सीन्स विद हिम वो बड़ा अच्छे सीरियस हम बैठे आराम से सही बैठे होते थे सेट पे जैसे ही सीन शुरू होता था थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी होता है ना कि <laughs> लोग फूल गिर रहे हैं yes, आप देखते हाँ। जा रहे हो किसी की तरफ सो फनी मुझे तो मैं कहती थी गौर सीरियसली बट ये कि बड़ा अच्छा काम काम का एक्सपीरियंस आपको जब एक्शन के रिएक्शन इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं मैंने शहजाद के साथ बड़े पहले काम किया था और अब के काम में और उनके इतना मेरे भी इतना पॉलिश हुआ है और उसका भी बहुत उसने पता लगता था कि दिल से काम कर रहा है तो बिल्कुल यू you नो know, मुझे एक बात बताएं राजफत से मुझे एक शिकायत है मैं बहुत बड़ी सपोर्ट हूँ राज़ुल्फ़त की लेकिन मुझे एक शिकायत है कि बहुत ज़्यादा एपिसोड्स खींची हुई हैं लाइक दे आर फ्यू एपिसोड्स जो actually... आगे आगे मुझे एक्चुअली हालांकि आई लव मुश्क कैरेक्टर एंड डिस्पाइट मुश्क को तो जितनी फ्लैंकिंग मिलती है आई थिंक मैं मुश्क के साथ खड़ी होती हूँ बिकॉज मुझे लगता है मुश्क आजकल की न्यू जनरेशन को रिप्रजेंट करती है एंड आई एम ग्रेटफुल टू सराज साहब एंड माह मलिक कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट किया बिकॉज बड़ी ज़रूरत थी वो दोनों माँ बाप और न्यू जनरेशन की साइड को रिप्रजेंट लेकिन इतना एपिसोड्स खींची hmm. हुई होती हैं फिर आठ मिनट रेपिटेशन भी होती है टू द ऑडियंस ऑफ कोर्स नॉट बट राबिया मैं आपको एक बात बताती हूँ hmm. एक तो एक आई थिंक मेरा पहला सीरियल होगा जिसकी थर्टी सेवन थर्टी एट एपिसोड तक देखें okay. ज़्यादातर पच्चीस से ट्वेंटी uh, तक होती हैं एपिसोड yeah. अच्छा अब क्या होता है कि uh, हमारी जो एपिसोड ऑन पेज थी ये थी थर्टी टू तक ओके okay. बट ये वो म्यूज़िक और वो सब वो करके तो ये तो डेफ़िनेटली जो बना रहे हैं या वो चैनल के तरफ से ये सारा चीज़ होती है प्लस फिर एक और चीज़ होती है कि बहुत से लोग कुछ कुछ चीज़ों पे तनकीद भी करते हुए मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि यू नो आई मीन हम ऑडियंस के लिए चीज़ बन रही है दुनिया भर में वैसे मैं एक बात कर रही हूँ दुनिया भर में मुख्तल किस्म की चीज़ें बनती हैं कभी भी जो टारगेट ऑडियंस है कभी मैं आपको कि एक छोटे से जैसे यू नो मेरा गांव है कभी भी में मेरा कभी भी लॉरियाल का कोई प्रोडक्ट नहीं रखा होगा ओके okay. या कभी भी किसी एक बिग मैं एक बात कर रही हूँ हाँ हाँ कि जो तो लोग जो देखते हैं उन्हीं के लिए चीज़ें बनती हैं

शायद आपको प्रेशर लगे लेकिन ये है कि यमुना जदी का नाम आता है तो अब एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कुछ मीनिंगफुल होगा ये प्रोजेक्ट हमें बाकियों की तरह शायद टॉर्चर नहीं करे इतना um. तो लेकिन सिर्फ ये मुझे होता है जैसे आप हैं सजल हैं और बहुत से मतलब मैं फ्यू नेम्स हैं विच आई फील अब उस स्टेज पर हैं जहाँ पर वो लोग शायद कुछ इस चीज़ की तरफ कर सकें देखें जब बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो ऑडियंस को दिया जो देखना चाह रही है वो देख रही है मैंने बीस एपिसोड्स में अपना टाइम इन्वेस्ट किया एज़ एन ऑडियंस बीस hmm. के बाद आप खींच के उसको ले जा रहे हैं थर्टी सेवन पे मैं कैसे निकलूँ इट्स अनफेयर टू मी एज एन ऑडियंस ना तो और जरूरत नहीं है ना हमें तो कहाँ आजकल चालीस पे अब तो मुझे लगता है चालीस बनना शुरू होगी hmm. तो कहीं तो हम कमर्शलिज़म पे थोड़ा सा स्टॉप करें कॉन्वर्सेशन hmm. तो स्टार्ट हो सो दैट्स व्हाट आई फील दैट मे बी ये यमुना सजल और सबा कमर और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं hmm. शामिल होता है कि अब बिकॉज आप लोग hmm. इस स्टेज पे हैं आप आप डिमांड में हैं माशा माशा mm. से प्रोजेक्ट्स mm. के ऊपर आपका नाम इज़ इज़ इज एन एडेड बोनस यू नो द स्टार इट्स 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 माशा माशा से यू you नो know? सो so, मुझे लगता है कि वहाँ यमुना कह सकती हैं कुछ अल्लाह करे कि मैं जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट और मैं ये नहीं कह रही यमुना कहें कि 35 से फोर एंड बट मे बी यमुना अब ये कहना शुरू कर दें कि देखें इसको ड्रैग मत करें प्लीज बिल्कुल इट्स इट्स और अगर ड्रैग करना है तो, तो फिर इतनी कलेक्टिव कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए क्योंकि फ्रॉम द राइटर टू द डायरेक्टर टू द चैनल ओनर्स बिकॉज हर सवाल का जवाब एक एक्टर नहीं दे सकता बट cool. किसी mm -hmm. एक पोर्शन uh, में एक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती mm -hmm. है आप आंख पे पट्टी बन बंद करके mm -hmm. हर चीज़ कुछ भी नहीं कर सकते स्पेशली दोज एक्टर्स हु हैव सम से और जिनको uh, जिनका इतना um, uh, होल्ड हो या यू नो से हो जिनकी yeah. तो ये कि um, अब ये कि मैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं ये नहीं कह रही कि आप बट मे बी आप ये कह सकती हैं यार थर्टी फाइव से थर्टी पे ले आओ या थर्टी फाइव से थर्टी फर्स्ट तो कम करते हैं वो आगे तो वो कुछ, वो कुछ तो होना चाहिए ना हाँ, आप नेक्स्ट टाइम ये कहा जाए कि नहीं यार मैंने इतनी की इससे नहीं बढ़ेगी आगे बिकॉज इट्स इट्स अनफेयर टू योर टू योर

कहीं ना कहीं वही मैं कह रही हूँ ये कलेक्टिव एफर्ट है और कहीं कुछ पोर्शन हमारा भी बनता है तो अब हम कोशिश करेंगे कि अब जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स uh, कर रहे हैं आ रहे हैं वो मुनासिब किस्तों के मुनासिब किस्तों के बस अब हम इसको दो दो चीज़ें फिर हम रैप अप करते हैं अब मैं आपके साथ एक छोटी सी गेम करने वाली हूँ इफ़ यू वेक अप अपटेंट कि आप एक दिन उठी हैं और जब आप उठी हैं तो आप इमरान अशरफ हैं तो आप क्या करेंगे

think i'll i'll uh, spend uh, a time, some time with my family mm, yeah i think she's nice. too busy yeah. i don't know <laughs> yeah. sajjal ali uh, uh, i'll take a picture like sajjal she <laughs> takes that's really nice. cute mm -hmm. cute uh, in uh, snapchat pictures mm -hmm. yeah. bilal uh, bilal i think yes. <laughs> उसको थी, उसको बेचारा सेट पे भी उसको टाइम मिलता था तो वो सो जाता था। ओह oh, yeah. अच्छा uh, हाँ, वो पोजिंग बहुत अच्छी करता है अपनी mm. तस्वीरों के लिए oh, मेरे साथ तस्वीर huh? <laughs> देखो मैं क्या पागल लगे <laughs> <laughs> तो उसकी तरह मैं uh -huh. पोजिंग सीखना चाहूंगी कितना अच्छा पोज कैसे करता है

अगैन इट्स कॉज बेस्ड सीरियल एंड इट्स काशिफ फाउंडेशन और काशफ निसार का कोलेब्रेशन है और आमना मुफ्ती का लिखा हुआ है तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था इसमें मेरा एक अब मैं कुछ पता भी तो नहीं सकती बट ये कि इसमें जो मेरा कैरेक्टर है ना वो मैं चाहती थी कि जिंदगी में एक दफ़ा वो कैरेक्टर तो करूँ बहुत ज्यादा रुलाने वाली है उसमें नहीं उसमें कोई रुलाने वगैरह का नहीं है अच्छा, उसमें जो कैरेक्टर है ना जो वो लड़की जो उसकी उसकी जिंदगी की जो लाइफ की जर्नी है वो मैं चाहती थी कि वो एक दफ़ा तो मुझे मुझे लगता था कि मुझे कोई ऑफर नहीं करेगा द काइंड ऑफ कैरेक्टर इट इज बिकॉज मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज आई हैव तो वो होता है ना कुछ उसमें जब फीचर्स आपके हों तो वो मुझे लगता था कि मुझे कभी ऑफर नहीं होगा बट जब मुझे ऑफर हुआ तो मैंने उसमें और कुछ नहीं देखा डेफिनेटली uh, मैंने मुझे uh, मुझे चाहिए था कि मैं करूं और uh, मुझे वो कैरेक्टर करने को मिल गया सो आई वाज हैप्पी बट ये इट्स अ वेरी सीरियस कॉस्ट बेस्ड थिंग एंड एज अ प्रोडक्ट इट्स रियली नाइस सो आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक टूट आपको उसको इसने किसी तरीके से आपके पर्सनल लेवल पे आपको पर्सनल लेवल पे uh, नहीं किया बट ये कि uh, थोड़ा सा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे है ये तो फिर मैंने कहा कि वो लोग जो ये ज़िंदगी जीते हैं या जिनके साथ ऐसा कुछ होता है mm. तो जो कुछ सीन्स मैं ऐसे करवा रही थी तो मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी yeah. ऐसी असल में नहीं है mm. तो जो जिनकी है ये ज़िंदगी वो कितनी उनकी फाइट है थ्रू आउट उनकी yeah. लाइफ में तो या दे सो यू सेड इन वन इंटरव्यू के uh, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान को इंटरनेशनल उस पर रिप्रेजेंट करूँ क्या है दिमाग में क्या सोचती हैं क्या ख़्वाब देख रही होती हैं जब आप ऐसा सोचती हैं कोई ऑफर्स आ रही हैं कहीं कुछ है ऐसा ऑफ़र्स uh, तो uh, आती हैं बट इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि वाकई कुछ अच्छा Solid हो, हो हाँ तो वाकई कुछ हो ठीक है ना आपको बाकी तो बाहर जगहों से ऑफ़र्स होती हैं बट कुछ ऐसा जो कि एक uh, जो ना इम्पैक्टफुल चीज़ हो तो यू you नो know, उसके लिए आपको अचीव अभी इट्स नथिंग देयर बट यू नो आई रियली वांट टू यू नो वर्क हार्ड फॉर इट एंड एटलीस्ट ट्राई फॉर इट बाकी गॉड नोस बट ये कि यस आई बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह um, ताला ने मुझे जो स्किल दिया उसको मैंने अपने वर्क के साथ पॉलिश किया है mm -hmm. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको और पॉलिश करूँ और सीखूँ mm -hmm. मुझे इतनी अच्छी लगी थी आपकी ये बात आई इट रियली टच इट बिकॉज बड़ी सेल्फलेस सी चीज़ मुझे लगी वो ना कि hmm. लोग डिफरेंट बातें करते हैं आपने बहुत ही यूनिक सी बात बोली थी कि ये मेरा खाब है यू नो you know? मैं बड़ा चाहती हूँ yeah. मैं एक्चुअली चाहती हूँ बटिए किटिंग फॉर दैट है मेरी दुआ है कि बहुत जल्द हो और शारा, हम देखें आपको हॉलीवुड में कहीं या यू नो आई नो बटिए कि अब ये होता है ना कि आप अच्छे हम लोग जैसे राबिया हम लोग काम करते हैं यू नो हमारे पास बड़ी कम रिसोर्स होती हैं हमारे पास बड़ी कम हमें Uh, चीज़ें होती हैं उसमें हम पूरी हमारा क्रू टीम डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर उसमें भी हम लोग अगर हमारा काम कहीं बाहर थोड़ा बहुत देखा जाता है और थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा देखा जाता है तो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है हम लोग की बड़ा मुश्किल सिचुएशंस uh, में हम लोग काम कर करे बात है तो ये कि इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम और ग्रो करें हमारा जो छोटा सा पाकिस्तान है उसको हम बड़े लेवल पे दिखाएं थैंक थैंक यू यू सो मच यू कि सो मच मच यमुना दिखाएंगे टाइम निकाला और बड़े मजे की गपशप मैं लगी। चाहती थी कि आपके आ, आ, शो में आऊ और जो है मुझे अच्छा लगता है आप बड़ा मीठा बोलती हैं शुक्रिया जो है वो मैं वही इंस्पायर हूँ आपसे मैं बहुत सीखती हूँ आपसे सीरियसली वे यू कंडक्ट आई एम नॉट जोकिंग वे और कल जो मैंने क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी और मैं सब तो मैंने जब इंटरव्यूज़ भी देखे तो आई पिक अप टू थ्री थिंग्स फ्रॉम यू टू बी मोर हम्बल टू बी मोर ग्रेटफुल्पॉर्टेंट और बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में बुलाया और ये कि जो है न जो आप शुक्र गुज़ार रहते हैं ना अपनी hmm. जिंदगी में वो की है किसी भी चीज़ yeah. की और नीयत yeah. तो so, yeah. बस ये सीन है थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो और फिर इनशाला yeah. एक लास्ट चीज या खुशियाँ स्पेल करते हैं हमारे लिए हम सबको बोलते हैं ये अच्छा इट्स इट्स कैमरा में यार आपको हाँ हाँ एफ यू एस एच नो no. एक मिनट एफ यू एस नो यही तो मजा <वाजा> है <laughs> क्या है फिर क्या है एफ यू पूछिए अभी देखो मैं चीटिंग करने की कोशिश <laughs> सी सीरियसली एफ यू सी एच आई नो एफ यू सी एच तक ठीक हो गया हाँ इट्स एफ यू सी एच वाई नो आई ई जी एस अल्लाह ये असल में ये स्पेलिंग्स हैं हाँ हाँ एफ यू सी ए कहीं चीटिंग नहीं मिल रही मुझे कहीं से देखने को मिल जाए कर लिए चीटिंग आपने देखी नहीं मैंने नहीं देखा मैंने देखा अच्छा ओके इट्स एफ यू सी एच एस एच एस अच्छा आप मुझे पता क्या करती हैं आप मुझे वो फिल्म करके देती हैं ना फिर थोड़ा बहुत करती हमारा एक का जो भी गेस्ट है नहीं ये ये जब हम नाम रख रहे थे ना तो बहुत रिसर्च की थी तो ये एक्चुअल स्पेलिंग ऑफ फ्यूशिया इज लाइक एफ यू सी एच एस आई ए बहुत और हम दो भी एफ यू एस एच आई ए करने वाले थे लेकिन फिर हमने कहा नहीं यार बिल्कुल yes, yes, oh. हमने बहुत

तो mm -hmm. so, वो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर हो जाता था आइस ब्रेकर हो जाता था ओके जी इस बार वाकई हम खत्म करें थैंक यू सो मच यमुना आई एक्चुअली हैड सो मच फन इन योर शो थैंक यू सो मच राबिया फॉर हैविंग मी इन योर शो मैं तो कोई खुल के हंसी हूँ और बहुत अच्छी गपशप लगाई है एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर